आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पर। और आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और गर्मी हो गई थी, मतलब ज़्यादा नहीं हो रखी, कमी है अभी, पर गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने सारे पौधे देखे इधर उधर, मतलब ये बाहर रखे थे, बिल्कुल बाहर थे, तो धूप की वजह से बिल्कुल अजीब से हो रखे थे, सूखे सूखे। तो मम्मी ने इनको साफ़ कर दिया और मैंने इनको अंदर रख दिया। और आज मैंने धोए हैं अपने टेडी बियर। मैं कैसे धोती हूँ, मैंने एक क्लिप बनाई, वो मैं ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लेना। बहुत आसान तरीके से धोती हूँ और जल्दी धुल जाते हैं। ये मैंने दिवाली के आसपास धोए थे शायद, और अभी धोए हैं, और अभी इतने गंदे हो रखे थे, मतलब अंदर पता नहीं चल रहा था। आज मैंने ऐसे उठा के देख लिया तो पता चला बहुत गंदे हो रखे, तो मैंने धो दिए हैं। और अभी मैं लगाऊँगी पोछा। टाइम हो रहा है शाम के 5:30, क्योंकि मैं अपने रूम में शाम को ही पोछा लगाती हूँ, सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता। नीचे का काम करने में ही दो पैर हो जाती है, फिर खाना वाना बनाना पड़ता है, तो इस वजह से मैं शाम को ही पोछा लगाती हूँ अपने रूम में। डेली तो नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन, और बस अभी मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी करेले, तो मैं इसलिए जल्दी मचा रही हूँ कि मुझे करेले बनाने हैं, और उसमें बनाने में बहुत टाइम लगता है। काट के तो धूप में रख दी थी मम्मी ने सुबह, अभी बनाने मुझे हैं। और ये देखिए बाहर से मैंने सारा धो दिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ। और बेडशीट देखिए, कॉटन की बेडशीट है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छी रहती है, बिल्कुल चिपकी रहती है, ये खिसकती नहीं है। और मेरा पिल्लो का जो कवर था वो आज फट गया, तो मैंने वो चेंज कर दिया है। और ये देखिए मेरा बाबू, ये कॉर्नर मैंने बनाया था, हमारे घर में जो अलमीरा बन रही थी तो मैंने जो बना लिया था, अच्छा लग रहा है देखिए। तो भैया घर पर बना के चले गए थे, तो अभी मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। मैंने इनमें पहले शैम्पू लगा दिया था, और इनको थोड़ी देर शैम्पू लगा के रख दिया था, जैसे घर में पहले भी था। और अभी इनको अच्छे से मसल के पानी से धोती हूँ, इनको साफ सुथरा। और चेयर पे इसलिए रखा है कि ये फिर धोने धोने होंगे, वरना अगर धोने रखिए तो फिर अच्छे हो जाते हैं, फिर ये फिर धोने जाते हैं, फिर रखते हैं, तो इसलिए कुछ करके पानी निकालना हो जाए, तो फिर इनको धोने होते हैं। और ये सबसे बड़ा है, मतलब इतने पसीने आ जाते हैं। काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया है, दरवाजे बंद कर देते हैं, नीचे चलेंगे। बाकी नीचे से स्मेल आ रही है, तेल गर्म होने की, हो सकता है मम्मी बनाने भी लगी हो करेले, पर नीचे चल के देखते हैं। आग में जल लग रही है, बना दिया मम्मी, बनाऊंगी। तो देखिए मेरी मम्मी ने करेले बना दिए हैं, इसमें डाले हैं प्याज, आंबी एक साथ डाले ना मम्मी दोनों, और हरी मिर्च पीस के, अच्छा पतला पतला, मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं है, मोटा मोटा दर जरा सा है। और गरम तेल करके इसमें डाल दिया। अब इसमें हल्दी नमक वगैरह जो भी डलेगा वो डल गया, फिर इसको पकने देंगे। और हाँ मेन जो इसका है, इसमें धनिया और सौंफ है ना, और जीरे का छौंक शुरू में, सौंफ का छौंक, हाँ। तो इसमें मेन ये सौंफ का जो खुशबू आएगी ना, उसकी अलग ही टेस्ट रहता है। और ये सुबह जो मम्मी ने करेले काटे थे, हमने धो के सुखा दिए, इसमें नमक लगाया था। और अभी मम्मी के हाथ के करेले कभी आप लोगों को मिलेंगे ना, तो अच्छे लगेंगे। बाकी आप बना के देखना, इसमें सबसे पहले तेल गर्म किया, फिर उसके बाद सौंफ डाली, फिर उसके बाद जो ये बैटर बनाया था ये डाल दिया, इसी में सूखा धनिया भी डाल दिया था। अब नमक वगैरह हल्दी बाद में डालेगी मम्मी, और मैं आपको दिखाऊंगी।
देखिए हमारा पौधा कितना अच्छा हो रखा है। इसको देखते ही सब पहले बोलेंगे कि ये प्लास्टिक का है, लेकिन ये ओरिजिनल है। बहुत अच्छा हो रखा है। एक बार तो इसका नज़र भी लग गई थी, बेचारी का सूख गया था, अब ठीक हो रखा है। तो खाना वाना हमारा सब हो गया, टाइम हो रखा है 8:30 हो गए हैं। और ये बाबू जो मैंने धोए थे, इनमें से पानी लगभग सारा निकल गया है और वो कपड़े पड़े हैं। अभी मैं कपड़े धोऊंगी और नहाएंगे, मतलब गर्मी लगती है, ज़्यादा है भी नहीं भी। और ये पर्दे लगा दिए इधर, क्योंकि अंदर एसी चलेगा और यहाँ हमने दरवाजे वगैरह नहीं लगा रखा। तो अभी मैं एसी ऑन करके और ये पर्दे लगा के छोड़ के और मैं बाथरूम में कपड़े धो लेती हूँ। तब तक ठंडा हवा मिलेगा कमरा, क्योंकि ऊपर मेरे रूम में ना ज़्यादा घुटन हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ से खुला है मेरा रूम। तो बस यही थी आज मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। और मैं मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ नया लेके आने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।